मैं एलजी साहब से यही रिस्केट करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा की, मेरी मम्मा को परमानेंट करो। मेरी मम्मा की 2500 सैलरी है, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। स्कूल वाले भी तंग करते हैं, फीस दो। मेरे फ्रेंड्स ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं मम्मा को बोलती हूँ, मामा बोलते हैं तू घर पे ही पढ़ ले, मेरे पास पैसे नहीं है। हमारा भी मन करता है कहीं घूमने का, हमारा मन करता है कुछ खाने का, पर मम्मा बोलती है पर पैसे नहीं है। सर मेरा नाम एनवाईसी स्मृति है। बताएंगे आज एनवाईसी पिछले 3 दिन से, आज तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, किस तरह की? सर कहने के लिए तीसरा दिन है, बोलने के लिए 72 घंटे हो चुके हैं। और इस तपती गर्मी में ना 2 मिनट बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। आपको भी लगता है ना कि कितनी गर्मी है यहाँ पे। और हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, मेरी बहन है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी हुई है और बहुत मुश्किल है यहाँ पे। बट हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके इसलिए आए हैं कि हम एलजी साहब को बताना चाहते हैं कि एलजी साहब हम वॉलंटियर नहीं हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आपकी जो आपने हमें ड्यूटीज़ असाइन की थी वो करने जाते थे। सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे हम घर से निकलते थे, रात को 8 बजे हम अपने घरों में पहुँचते थे और हम अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाते थे। और आज आप हमें कह रहे हो कि हम वॉलंटियर हैं, क्या हम क्या जवाब देंगे जब ये बच्चे बड़े होंगे और जब हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनको मदर फीड दो? कैसे दें हम मदर फीड? हम आज तक हमें हमारे ऑफिसर्स कहते थे कि आपको मैटरनिटी लीव नहीं है। आपको जब हमारे बच्चे 10-10 दिन के थे तो हम उनको छोड़ के अपनी जॉब के लिए जा रहे थे। तो आज वो अगर हम वॉलेंटियर थे तो फिर हमें भी वॉलेंटियरली महीने में एक दिन बुलाना था, तब हमसे आपने गवर्नमेंट जॉब ली। कोरोना के टाइम आपने बोला, इतना टफ टाइम था, तब आपने बोला कि नहीं आप तो फ्रंट लाइन वर्कर हो, आपको फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम करना है। तो हमने भी फ्रंट लाइन वर्कर बन के फुल डेडिकेशन से काम किया, फुल एफर्ट्स के साथ जितना हो सकता था। अगर आप देखना चाहें तो हमारे हर एक जो NYCs है कोरोना वॉरियर्स के, उनके पास 4-4, 5-5 अप्रिशिएशन अवार्ड पड़े होंगे। क्या करने हैं हमने वो अवार्ड? उनसे खाना तो नहीं मिलेगा ना हमें, हमें तो एक जॉब पॉलिसी चाहिए, हमें सैलरी इनहेंस चाहिए। उससे हमारे, अभी आपने देखा मेरी एक बहन का छोटा सा बच्चा, जिसको देख के मुझे मेरी आंखों में पानी आ गया। वो कह रहा है कि हमें हमारे साथी बोलते हैं, कल को मेरे बच्चे को भी इसके साथी बोलेंगे, कहाँ से हम इनकी डिमांड्स पूरी करेंगे? जब हम घर में पहुँचते हैं बच्चे हमारे हाथ देखते हैं, हम तो एक चिप्स का पैकेट नहीं ले सकते हैं, कैसे लेके जाएँ? ये धरना लगातार रहेगा आपका? सर अगर ऐसा ही हाल, हम डू एंड डाई की पॉलिसी लेके आए हैं। अगर BJP वालों की तरफ से या LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आता तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। क्या बोलेंगे? मरेंगे और अपनों को भी साथ में लेके मरेंगे। तो इन BJP वालों को भी पता चलना चाहिए कि जो हमारे, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हमारी डोगरी में एक गाना है, हम डोगरे हैं और हम बड़ी शान से जीते हैं, हमने बड़ी लड़ाइयाँ जो है घमसान से जीती हैं। और हम भी अब अपना हक लेने के लिए हमें घमसान भी करना पड़ेगा तो करके जाएंगे हम, जहाँ तो लेके जाएंगे जब मर के जाएंगे। एक कदम बढ़ो, हम तुम्हारे